सोनिया जी, मोहसिन साहब इज अ पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान. आपने कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन देखे हैं? जी देखे हैं. डू यू हैव लाइक एनी इमेजरी कोई तड़े ज़हन में चोए के इंज दे होंदे ने या उंज दे होंदे ने? देखिए, बेनजीर भुट्टो जी के बड़े फैन थे हम. ओके, ठीक है. बहुत वेल एजुकेटेड, सारे उनको मानते थे. बिल्कुल. और आजकल आपकी जो सीएम है मरियम नवाज जी, वो बड़ी खूबसूरत है, तो सारी उनकी खूबसूरती की बात करते हैं. और उनके सूट जो है वो सारी जगह पे मशहूर होते हैं. अच्छा, वहाँ भी आप सूट देख रही हैं? बिल्कुल, सारे देखते हैं उनके सूट. तो ओए, ये देखे वो दोनों, उन्होंने खवातीन बताई, एक भी मर्द नहीं बीच में. ये क्या बात हुई कि कोई आप हमारे और कोई पॉलिटिशियन आप देखे, आपने सीधा स्किप किया मोहतरमा से, आप सीधा आई मरियम बीबी के ऊपर. देखिए, बेनजीर जी एक पर्सनालिटी, वो तो ठीक है, हो गया. और उनकी पर्सनालिटी वैसे ही बड़ी खूबसूरत थी. और मरियम जी की भी खवातीन को हमेशा सूट अच्छे लगते हैं. ठीक है, तो हम उनके सूट देखते हैं. माशाल्लाह से वो बड़ी खूबसूरत हैं. पॉलिटिक्स में ज्यादातर खूबसूरत लोग कम देखे जाते हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे सूट पहनते हैं, आपने कभी देखा है? शहबाज शरीफ साहब, वो भी सूट पहनते हैं. वो सूट उनका दूसरे वाला होता है, पिन स्ट्राइप्स होते हैं, डबल वेस्टेड होते हैं, वो आपने कभी देखे? पॉलिटिशियन सारे एक जैसे होते हैं, पर जो डिफरेंट दिखे उसमें तो मैंने उनकी बात देखे. मोहसिन भाई, मैं मेरे को वो सोनिया जी, आई हैव टू स्टॉप. मोहसिन भाई प्लीज, फोन में से तस्वीर निकाल के मियां साहब की दिखाएं. वो वाली दिखाएं जो व्हाट्सएप पे लगाई हुई है. नहीं, फोन तो मैं बाहर छोड़ के आया. हाय हाय, फोन भाई मंगवाओ, ये मियां साहब की तस्वीर तो दिखाएं. ये ऐसे नहीं मानेंगी. मियां शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने यकीनी तौर पर देखा होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड शी इज अ लेडी हरसेल्फ. एंड जो खासतौर पर खवातीन में, अगर एक खवातीन की नुमाइंदगी पहली दफ़ा पंजाब में एज अ चीफ मिनिस्टर हो रही है, तो ये एक ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन है, खास तौर पे खवातीन वाली साइड पे, कि दे कैन ऑल्सो मेक इट. एक अच्छा इमेज गया है, एंड देन एक सॉफ्ट इमेज भी है, फिर उसके साथ एक आइकॉनिक भी है, फिर उसके बाद उनका द वे शी कैरीज हरसेल्फ. तो ये खवातीन के लिए ज़रा अट्रैक्टिव ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट वो एक तरफ रख के ज़्यादातर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, इतने सुंदर कपड़े डालते हैं. एक्ट्रेसेस ज़्यादातर सूट की आइकॉन्स होती हैं कि बड़ा अच्छा मेकअप किया है जी, बड़े अच्छे कपड़े डाले हैं. बट पहली पॉलिटिशियन है जो जिनको हम इस तरीके से देखते हैं, वो भी है, उनका एक फैन क्लब है. दसो कि तुसी पाकिस्तानी ड्रामे ते फिल्मा देखते हो ठाकुर साहब के अलावा? बिल्कुल, ऐसी ड्रामे देखते हैं. कौन है तुहाडे को फेवरेट एक्टर है ना जी? वाहज, वहाज अली. वहाज अली जी, okay. वो मेरे फेवरेट ने. एक यमुना उनके साथ तेरे बिन आपने देखा जी, होगा. जी बिल्कुल, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है. यानी कि वहाज अली और यमुना. सर आपने देखा ये ड्रामा तेरे बिन? नहीं, मैंने नहीं देखा. ताड़ी तो हुकूमत चल रही, तुसी तो देखो. खान साहब अंदर है, तुसी देख लो तेरे बिन. कोई इतनी उदासी नहीं है. उनके खिलाफ तोशा खाना वाला केस मैंने ही फाइल किया था. तुसी कीता सर? मैंने कोई उदासी नहीं है, वो अंदर गए ने. इसलिए अच्छा, आपने फाइल किया हुआ है? ओ अच्छा, उन्होंने घड़ी महंगी पाती, आप सस्ती पा के आ गए. असि सादे जे बंदे हैं. ये भी ठीक है, मगर आप नहीं इतने देखते ड्रामे वगैरह? टाइम मिले तो देखता हूँ. कोई है वैसे आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? सच पूछें तो बहुत कम. चले कम है, मगर कोई तो हो, कोई नाम तो होगा उनका. हमारी जिंदगी की रूटीन इस तरह की है कि ज्यादा हमारा क्या चल रहा है जी, यहाँ पे ये इशू चल गया, यहाँ पे ये इशूज हो गया, यहाँ पे ये हो गया. हमारी तो जिंदगी खुद ही एक आजकल ड्रामा है. ठीक है, तो उसके बीच में हमारी अपनी कास्ट होती है. चले, जो आपकी जिंदगी में ड्रामे चल रहे हैं उसके अंदर आपका फेवरेट एक्टर कौन है? तो मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा थिएटर इन इटसेल्फ है. ठीक है, और उसके बीच में जितने भी हम लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं डेली बेसिस पे, हमारी अपने अपने एक रोल्स हैं, और उस हर रोल में हर बंदे का एक अपना अपना किरदार है. और आई थिंक जो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, जो टॉलरेंस बर्दाश्त इस तरह का काम करते हैं, नाम बताएं फेवरेट एक्टर कौन है? देखिए उसमें सबसे ज्यादा तो मैं आजकल समझता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मियां साहब आपके फेवरेट एक्टर, वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो तबीयत के बिल्कुल बरक्स है, कि जिस तरीके से वो मरकज चला रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी साथ लेके कोशिश कर रहे हैं चलने की, जिनकी मुझे पता है कि उनकी जो नेचर है उसके अगेंस्ट होगा, उन लोगों के साथ भी चलना, लेकिन मुल्क और कौम के लिए वो चल रहे हैं साथ. लेकिन वो तो हीरो है ना, माशाल्लाह जी, हीरो एक्टर है. विलन भी होता ना कोई पार्टी में, जैसे अता ताड़ साहब है. अता भी छोटा भाई है. एक बंदा अगर वोकल है, बात करता है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा को चुभेगा, क्योंकि वो सख्त बात करता है. जब वो सख्त करख्त बात करेगा तो ऑब्वियसली एक मकतबा फिक्र है जो उसको पसंद नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली अता को वो विलन के लेके जाएगा. लेकिन जो अता रोल प्ले करता है और मेहनत करता है, आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. पीटीए वाले अली मीन गंडापुर के बारे में यही कहते हैं. देखिए, मैं अली मीन गंडापुर को जब उसने अपनी तकरीर में पाकिस्तान की बात की तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी. लेकिन जब उसने इस तरह की गुफ्तगू की जो मैं समझता हूँ कि आइन की या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, चीफ मिनिस्टर के मुँह से ये बातें नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारी नौजवान तबके में नफरत
या कोई इस तरह की पोलराइजेशन में मज़ीद इजाफा हो या अदारों के ख़िलाफ़ मज़ीद जो है उसमें सूरत हाल जो है वो कशीदगी इख्तियार करें, तो मेरे ख्याल से तब मुझे उनका रोल अच्छा नहीं लगेगा। तो गुड एंड बैड दोनों जगह चलता रहता है, दोनों चलता रहता है। मुझे तो उनकी वो शायद पकड़ के दौड़ जो थी वो आज तक नहीं भूली जो एक दफ़ा उन्होंने लगाई थी इस्लामाबाद में, बिल्कुल बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। बड़ी अच्छी उनकी जैकेट बड़ी अच्छी थी वाइट कलर की जो उस वक्त उन्होंने पहनी हुई। अच्छा आपको जैकेट भी याद है? ब्लू कलर की वाइट शर्ट थी। इतने प्यार से तो उनके घर वालों ने उनको नहीं देखा होगा, देखे ना वो जिस तरह से वो शहद बदला, जिस तरह से वो जिस तरह से एकदम वो किस तरह भूल सकता है। फिर मैं ये सोच रहा था कि वतो इज्जत मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, कि जिसको अल्लाह चाहे इज्जत दे जिसको चाहे अल्लाह जिल्लत दे, कि वो भी एक वक्त था और आज चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो फिर बुज़दार साहब को भी देख के हम कई दफ़ा सोचते नहीं, बिल्कुल ये तो एक है मगर तो अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे। मगर आपने वैसे सिर्फ कहा कि मियाँ साहब आपके फेवरेट एक्टर हैं, वैसे आपको सुनी जी यहाँ पाकिस्तान आके पता चला कि किन्ने ताड़े एक्टर है ने जो इतने पाकिस्तान पसंद किए जाते हैं, इवन इन पंजाबी सिनेमा, वेदर इट्स दिलजीत, गिप्पी गरेवाल, एमी विर्क हो गए, देन इवन योर एक्ट्रेसेस सोनम बाजवा, नीरू बाजवा, खैर उसके अंदर हमें सोनम और नीरू तो कम पसंद है, बाजवा ज़्यादा पसंद है, बहुत नेचुरली हमें चीज़ें पसंद आती हैं। देखिए कितना जबरदस्त फैन क्लब है बाजवा का। मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी की फैन फॉलोइंग है वो है सिद्धू मूसेवाले की। सिद्धू मूसेवाला साहब की, बिल्कुल जी, छोटे छोटे बच्चे उनके बहुत फैन हैं, बिल्कुल मतलब हर कोई। मैंने तो उनके साथ काम किया हुआ है तो मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं सारे जाने उनके बारे में, कैसे थे वो, उनको ऐसे क्यों हो गया। सो छोटे छोटे बच्चे आके कि बड़ा बुरा हुआ और इमोशनल हो जाते हैं उसके बाद, तो मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर करते करते थक जाती हूँ। जबरदस्त फैन क्लब। सर आपने सिद्धू मूसेवाले का सुना हुआ है? जी जी सुना हुआ। अच्छा गाना वगैरह उनका सुना था? जी जी। बड़ा एक मेजर फैन क्लब है सिद्धू मूसेवाला साहब का पूरे इस पंजाब में। मैं समझता हूँ कि जो अवेयरनेस के हवाले से उन्होंने बात की है ना, चाहे उनके गाने और उनका जो था म्यूजिक वो एक अपनी जगह पे, लेकिन जो अवेयरनेस वो रेज कर रहे थे सोसाइटी में सोशल अनजस्टिस के खिलाफ, वो अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। ऑब्वियसली गाने तो फिर उसके बीच में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा प्लस माइनस हो जाती हैं वीडियोज में, बट स्टिल जो उनका मेन मैं समझता हूँ जो उनका पॉपुलैरिटी का रीज़न है वो अवेयरनेस थी जो उन्होंने उस वक्त पंजाबी कम्यूनिटी में जो उसको रेज़ किया, और ख़ास तौर पे इंडिया के उस माहौल में जहाँ पर आपको पता है कि सफोकेशन भी है सब कुछ है, तो वहाँ पर बात करना फिर बोलना फिर गाने भी गाना, नहीं, तो बिल्कुल एक बड़ी बात है। आपने हमेश जी के साथ भी एक फिल्म की है? जी बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा हंसे क्यों ये आखिरी बार सरप्राइज लगी है। वेलकम बैक टू गपशप जी। सर रांझे बड़े आशिक मिजाज होते हैं, आप अपने बारे में बताएं कैसा मिजाज है? देखें जी हर इंसान ही जो होता है वो उसके अंदर इश्क मोहब्बत ये चीजें ना हो तो इंसान इंसान ही नहीं। और जेडे प्यार ना तुसी दसे तीन चार धोखे तो तुहानू मिले जे? नहीं नहीं मैं एक ही बारी धोखा खाना हूं। धोखा साड़ी कागज नहीं। अच्छा जी। नहीं 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 तो सर धोखा वाकई मिले सर।